अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ाकर वरना आपस में ये साजिश मार डालेगी। ये साजिश, इतनी बड़ी बड़ी साजिशें हैं, ये सियासतें हैं, ये सियासतों से आप बच नहीं पाओगे। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सौहार्द जो भाईचारा है वो हम आप सबको कायम रखना है, मजबूती प्रदान करनी है उसको, और उसको आप मजबूत बना कर रखेंगे तभी हमारे देश का जो बगीचा है ये हरा भरा रहेगा। रहा मसला इनका जो गाली गलौज आप सवाल कर रहे हो, देखो ऐसा है, अभद्रता किसी से भी किसी को नहीं करनी चाहिए। लड़ाई मुद्दे की है, राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक पेज को राजनीतिक से ही निपटना चाहिए। और अगर दूसरे मंच पर जाकर के मैं किसी को गाली दूं या कोई और किसी को गाली दे, इससे बढ़पन नहीं हो सकती। इससे समाज को एक, समाज का एक अपमान है। समाज में अगर इस तरह से बदतमीजी से पेश आना, ये बिल्कुल ये समाज के खिलाफ है। ये उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं है जिसको दे रहे हो, ये पूरे समाज के खिलाफ है। मैं इसका बहिष्कार करता हूं। गाली गलौज एक स्टेज पर समाज पर देनी, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले नायब साहब ने, जैसे कि मैं मानता हूँ उन्होंने भी, रईसा जी ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे ही भाषा बोली थी, वो नहीं बोलनी चाहिए थी, नायब साहब को इतनी गाली नहीं देनी चाहिए थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ जो बैठे हुए लोग थे उनको भी ये महसूस हो रही थी कि नायब साहब गलत है। अभी कल का मंच सामने आया, कल भी यही चीज़ सामने आई कि गाली गलौज ये सब। मुझे लगता है कि अगर गाली गलौज देने का इतना शौक है किसी को भी, तो भाई उनके आमने सामने बात करो। भाई किसी से दुश्मना ही है तो सामने गिरवान पकड़ के उसको वैसे करो बात, हिम्मत है तो किसी की। गाली गलौज क्यों दो, गाली गलौज देना बिल्कुल गलत है। हाँ हम भी मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे नहीं है कोई गलत फहमी किसी को हो तो निकाल दे। चुनाव लड़ रहा हूँ दम से, और चुनाव लड़ रहा हूँ लोकप्रियता से, मोहब्बत से। मेरे दलितों की 20,000 से प्लस वोट हैं, और वो मेरे को नहीं देंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण को वोट देंगे, ठीक है, जो चंद्रशेखर रावण के खाते में वोट डालेंगे। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, मेरे जो नौजवानों की फैन फॉलोइंग है, जो मेरे बुजुर्गों की दुआ है, चुनाव कच्चा नाच बढ़ेगा। हम डोल रहा है, घूम रहा है गाँव गाँव, ढाणी ढाणी, अपना भाई से मिल रहा है, नुक्कड़ों पर मिल रहे हैं, जहाँ हुक्काओं पर बैठे वहाँ बैठे हैं, दुकानों पर मिल रहा है। हम डीजोन में भर भर कर धोड़ो गोड़ाने ना ले जा रहा, हम इस तरह से ना है, तुम अपना मैट्रिन ले जाके वहाँ बजा रहे हो जाके, हम ये नहीं कर रहे कि भाई मेरा प्रोग्राम करवाया हो। इंशाअल्लाह ताला इतनी मोहब्बत से मुझे नवाज रहे हैं मेरे नौजवान भाई कि मुझे चला कर फोन कर रहे हैं, सरपंच तेरा प्रोग्राम यहाँ है, सरपंच तेरा यहाँ है, मैंने आज तक लिस्ट नहीं बनाई जब से मैं यहाँ आया हूँ। खुद बेचारे मोहब्बत से और एक ईमानदारी की नीति से 10 रुपये ठगने नहीं, और जो लोग कहते हैं आप ये कर दें वो कर दें, मुझसे अभी तक का 5 रुपये ठगने की बात नहीं, 10 रुपये किसी ने नहीं मांगे। इतने एक प्यार से सम्मान से इस इलाके में जो सम्मान मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे सम्मान यहाँ दिया जा रहा है। नौजवान तबका मेरे साथ तन मन धन से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा साथ वो नहीं दे, बिल्कुल दे। लोग कह रहे हैं कि अताउल्ला जी डेमरोत पाल से आते हैं, लेकिन डेमरोत पाल में तो खिसकते जा रहे हो। देखो डेमरोत पाल से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं 36 बिरादरी से मोहब्बत करता हूँ। सबसे बेहतर मेरे लिए देश की 36 बिरादरी है, और 36 बिरादरी की जो मोहब्बत है वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे सरमाते पे। रहा डेमरोत गोतपाल का, डेमरोत गोतपाल से मैं बिलोंग करता हूँ। देखो अपने अपने गोतपाल रहते हैं, और डेमरोत पाल में मेरे अलावा कोई कैंडिडेट है नहीं। अगर डेमरोत पाल 90-100% मेरे लिए वोटिंग नहीं करेगी, वो किसको जवाब देगी भाई? वो किसको जवाब देगी भाई? उनसे कौन क्या कहेगा? अरे तुम्हें एक छोरा चुनाव लड़ना है, तुम्हें वोट ना दी, तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो पाल मेरे लिए वोट ना दे। वो टोटली वोट मुझे आए, मुझे पूर्ण रूप से उन पर घमंड भी है, भरोसा भी।